डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। रोमांटिक और गुदगुदाती हुई फिल्में बनाने वाले मशहूर निर्देशक बासु चटर्जी का गुरुवार को निधन हो गया। बढ़ती उम्र के साथ होने वाली दिक्कतों के चलते उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बासु चटर्जी ने मुंबई में अपनी अंतिम सांस ली। बासु चटर्जी की मौत की खबर फिल्मकार अशोक पंडित ने दी। फिल्म इंडस्ट्री ने एक महान फिल्म मेकर बासु चटर्जी को आज खोया है। आज सुबह 8:30 बजे उनके घर में निधन हुआ। 93 साल की उम्र थी और काफी समय से वो बीमार चल रहे थे। बासुदा का ह्यूमर, बासुदा की कॉमेडी, बासुदा का सटायर उनको ताज़िंदगी हमारी इंडस्ट्री में और हमारे बीच में जिंदा रखेगा। ऐसे फिल्म मेकर्स कभी मरते नहीं। हम उनके परिवार के साथ आज खड़े हैं इस दुखद घड़ी में और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। बासुदा, विल मिस यू। बासु का जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था और उन्होंने भारतीय सिनेमा में सराहनीय काम किया था। मुंबई के एक अखबार में कार्टूनिस्ट और इलस्ट्रेटर का काम करने वाले बासु के बारे में किसने सोचा था कि वो भारतीय सिनेमा को अगली सीढ़ी पर कदम रखने में मदद करने वाले दिग्गज फिल्म मेकर साबित होंगे। चमेली की शादी, खट्टा मीठा, रजनीगंधा जैसी फिल्मों में उन्होंने अपना जादू बिखेरा था। उनकी फिल्में मध्यम वर्ग के परिवारों पर आधारित होती थी। ये फिल्में अक्सर दर्शकों को खूब गुदगुदाया करती थी। बासु चटर्जी का निधन मनोरंजन जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।